दोस्तों, अफ्रीका से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। अफ्रीका के देश इक्विटोरियल गिनी में यहाँ पर मरबर्ग वायरस का जो केस है वो देखने को मिला है, और वो भी दोस्तों एक केस नहीं बल्कि अफ्रीका के इस देश में 9 मौतें इस वायरस की वजह से हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग तक शेड्यूल की सिर्फ इक्विटोरियल गिनी के इस मरबर्ग आउटब्रेक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मात्र शिदिसो मोइती ने ये बताया है कि ये जो मरबर्ग वायरस है इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, और ये ना केवल इसीलिए इतना खतरनाक है बल्कि इसीलिए भी क्योंकि इस संक्रमण की जो मृत्यु दर है वो 88% तक जा सकती है। मतलब कि अगर 100 लोगों को ये होता है तो उनमें से 88% लोगों की मरने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, ये वायरस जो है, ये मरबर्ग वायरस, इससे यहाँ पे न्यू गिनी में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। उन लोगों में से एक को जब पूरी तरीके से जब चेक किया गया तो यहाँ पर पाया गया कि उसका जो शरीर है वो इसी वायरस से पॉजिटिव है। बाकी जो लोग हैं उनमें भी इसी तरीके के लक्षण देखे गए थे, इसलिए ये कहा जा रहा है कि बाकी के 8 लोगों की मौत भी इसी वायरस से हुई है। दोस्तों, ये वायरस इतना खतरनाक है कि WHO की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर ये जो इक्विटोरियल गिनी है यहाँ पे लगभग 200 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके इक्विटोरियल गिनी के जो बिल्कुल ऊपर देश है कैमरून, वहां पर भी पूरे जो सख्त कदम है वो उठाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीजें बेसिक से बताती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये देखने से कि इक्विटोरियल गिनी कहाँ है। ये आप लोगों के सामने मैंने अफ्रीका का मैप रखा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। आप इसके कुछ बड़े बड़े देशों से तो जानकारी रखते ही हैं, जिनमें लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, ये सब आता है। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है इक्विटोरियल गिनी। एक बात याद रखिएगा, इसके नाम में है इक्विटोरियल गिनी, पर इक्वेटर जो है वो इक्विटोरियल गिनी से होकर के नहीं गुजरती है। ये इक्विटोरियल गिनी है जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना स्काई ब्लू कलर से, इसके नीचे है गैबोन और ऊपर है कैमरून। इक्विटोरियल गिनी को गिनी से कंफ्यूज मत करना। इक्विटोरियल गिनी अलग है और गिनी अलग है। दोस्तों, गिनी में भी ये आउटब्रेक फैल चुका है। इसके पहले आपको याद होगा कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से घाना में भी इस वायरस से संक्रमण फैला था, और वास्तव में अभी ये संक्रमण कहाँ फैला हुआ है, इक्विटोरियल गिनी में। चलिए, इसके मैप को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे आपको डीप में ये जो इक्विटोरियल गिनी है ये आराम से दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो इक्विटोरियल गिनी है ये सेंट्रल अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश में इस समय बहुत बड़ी जो आपदा है वो आ चुकी है। दोस्तों, अगर बात करते हैं इस मलबर्ग डिसीज की, या फिर जिसे हम कहते हैं मलबर्ग वायरस डिसीज, इसे WHO ने घातक घोषित किया है। दोस्तों, ये एक अत्यधिक विषीला रोग है। आप देख सकते हैं कि ये मनुष्य के शरीर में RNA पर प्रहार करता है। आप जानते हैं DNA, RNA, तो ये RNA पर प्रहार करता है। और जैसे कि हमारा जो कोरोना वायरस था वो कैसा था, वो लगभग गोलाकार था ना, लगभग ऐसे राउंड शेप का था, लेकिन ये जो है ये अंग्रेजी के यू आकार की भांति होता है, यू फॉर अम्ब्रेला जो होता है ना, उसके जैसा, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है। अब दोस्तों, ये जो मलबर्ग वायरस है ये इबोला वायरस के जैसा ही एक वायरस है। ये दोनों, इबोला और ये मलबर्ग वायरस, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जो नाम है ना मरबर्ग, ये मरबर्ग नाम जो है ना ये इसको कहां से मिला है दोस्तों, ये मरबर्ग नाम जो है ये इसको मिला है जर्मनी के एक स्थान से। दोस्तों, जर्मनी नामक ये जो स्थान है ना, यूरोप में जो जर्मनी नामक देश है, उस जर्मनी में आप लोगों को पता है फ्रैंकफुर्ट है। फ्रैंकफुर्ट तो बहुत फेमस है, इसको तो हम वर्ल्ड मैपिंग में हमेशा पढ़ते हैं वहां पर। और इसी के साथ मरबर्ग जगह पर 1967 में पहली बार इस वायरस के केस को डिटेक्ट किया गया था, और इसीलिए जर्मनी के मरबर्ग में इसका पहला केस मिला था। तभी से इस डेडली वायरस को मरबर्ग के नाम से, मरबर्ग वायरस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो वायरस है ये इंसानी साइंटिस्ट के द्वारा बना है, क्योंकि एक बार क्या हो रहा था अफ्रीका में, जो अफ्रीकन ग्रीन मंकी है जिन्हें युगांडा से लाया गया था, उनके ऊपर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे। माना जाता है कि उसी समय यह वायरस जो है ये इजाद हुआ। वहीं पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये वायरस पहले से चमगादड़ में था, बैट में था, वहां से मंकी में पहुंचा है, ये नेचुरली है। तो अब ये मंकी से चमगादड़ में पहुंचा है या चमगादड़ से मंकी में पहुंचा है, जो भी है,
लेकिन आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ये जो वायरस है यह चमगादड़ों से ही इंसानों में फैलता है। ये इंसानों में कहां से आता है? चमगादड़ों से आता है, फ्रूट बैट से आता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वायरस है इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। क्या ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है, ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। दोस्तों मनुष्य के शरीर से निकलने वाला कोई भी द्रव, फिर भले ही वो हमारा रक्त हो, हमारे शरीर के किसी भी अंग से निकलने वाला कोई भी द्रवित पदार्थ हो, उसके संपर्क में या फिर हमारे शरीर का जो द्रव है वो जिस भी किसी जगह पर लगा है उसके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी ये जो वायरस है इससे खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें होती है जिनका ध्यान डॉक्टर रखते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसको उसी निडल से इंजेक्शन लगाया जो दूसरों से नहीं लगाया, वो सारी चीजें तो है ही। इसके अलावा ये मनुष्य से मनुष्य में भी फैलता है। अगर हम बात करें इसके लक्षण की तो दोस्तों इसके अधिकांश लक्षण इबोला वायरस की ही तरह है। सामान्यतः क्या होता है, लोगों को ये जब इबोला वायरस का इन्फेक्शन होता है तो, या फिर अब ये जो नए जिसके हम लोग बात कर रहे हैं मार्बर्ग वायरस, जब इस मार्बर्ग वायरस का भी इन्फेक्शन होता है ना, उस समय क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये नॉर्मल जैसे मलेरिया वगैरह होता है उसके जैसा फीवर है। इसलिए कई बार लोग इसको शुरुआती दिनों में इग्नोर करते चलते हैं और जब तक इसका इग्नोरेंस चलता रहता है तब तक इस वायरस का शरीर में जो संक्रमण है वो बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका होता है। अगर हम बात करें इसके लक्षण की तो दोस्तों इसमें हाई फीवर होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि सर में छाती में बहुत तेज दर्द की समस्या होती है, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, इसके अलावा डायरिया जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे होने लगता है और इसकी वजह से जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसे उल्टियां होती हैं, उल्टियों में खून देखा जाता है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग अंगों से भी यहाँ पे रक्त स्त्राव को देखा जाता है। लगभग इस वायरस के शरीर में प्रवेश करने के 8 से 9 दिनों के अंदर ही जो मरीज है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि इसे लेकर के, इसे डिटेक्ट करने के लिए कई तरीके के डायग्नोसिस किए जाते हैं, इसके लिए इलाज किया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनकर मानव जाति पर प्रहार कर सकता है। तो दोस्तों जरूरत ये है कि इक्विटोरियल गिनी में ही इस वायरस को इस समय पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पर इक्विटोरियल गिनी ने वास्तव में पूरा प्रयास किया है, जल्दी इस वायरस को डिटेक्ट कर लिया है जिससे ये आगे किसी भी देश में ना फैले। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSC की तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी फ्री क्लासेस में जो कि अनअकैडमी पे डेली 3:30 PM होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2024 के लिए आप लोगों के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों ये जो बैचेस हैं इनमें आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी से आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम का जो पूरा बैच है वो अलग से आप लोगों के लिए आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस हिंदी मीडियम बैच में मैं ही आप लोगों के लिए 16th February से फिजिकल ज्योग्राफी ले रही हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी लीजिए, क्योंकि अभी आपको 15 फरवरी तक लगभग 40% का जो डिस्काउंट है ये मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 46,400 रुपीज तक पड़ता है। एक बात जो आपको कभी नहीं भूलनी है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन लेते टाइम जो आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है वो है अपूर्वा 23 APOORVA 23 without any space।